being the fool. Start going up 6. और ये देखें आप 6 एम्पे चला गया है. कंप्रेसर स्टार्ट हो गया. हमने टेम्परेचर वीडियो टेम्परेचर ऑन 16, टेम्परेचर 16 पे है 16 टेम्परेचर. और देयर्स द रिमोट TCL 18-3T B T3B. So now AC चलते हुए just 5 मिनट गुजर गए. almost 3 to 5 मिनट. फोर ओ क्लॉक वी स्टार्टेड. 4 बजे हमने स्टार्ट किया था. सो चेक करते हैं कि 15 मिनट बाद क्या होगा इसका. नो इको मोड, जस्ट स्टैंडर्ड पे रखा हुआ है रिमोट में. कोई इको मोड नहीं है, कोई कुछ नहीं, जस्ट कूल पे और टर्बो फैन. लेट्स सी आफ्टर 15 मिनट द वोल्टेज एंड एम्प. ओके सो नाउ 15 मिनट, 16 मिनट, 16 मिनट हो गए हैं एंड देयर इज स्टिल 6.5 एम्प रनिंग एंड द रूम टेम्परेचर इज करंटली 28.4. अभी देखते हैं आफ्टर 30 मिनट इसकी क्या कूलिंग परफॉर्मेंस रहेगी. 16 पे रखा हुआ है. आई एम गोइंग टू मेक इट 25. सो बिकॉज ऑफ फर्स्ट टाइम आई पुट इट ऑन 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. ओके so now it's 25. The fan mode I will make it, I will change the fan. High fan पे रखता हूँ बस, turbo पे नहीं रखूँगा. So this is high I think. Oh ho. Okay. Okay, now room temperature almost going to be 26. Time 20 minute, 4:20 starting time was 4 o'clock and now 21 minute okay. 26.8 hai. And the amp still 6.4. There is eco mode. There is a eco mode on the remote. Eco mode है लेकिन मैं अभी use नहीं करूँगा. वो तो use करने से कम हो ही जाएगा. लेकिन मैं इसे normal temperature पे आने के बाद पता करना चाहता हूँ कि उसके बाद इसकी क्या performance होगी 25 पे आने के बाद, जो natural mean auto mode पे जो आएगा. auto पे नहीं, cool पे. So I want to check in the normal condition. Not don't want to use any eco or economo or
eco mode. There is no eco mode now, so I want to test in the normal, and it will come to 25 temperature. How it's amp is still same 6.45. Okay, now going to be 25 time after 23 minute baad 25 ke kareeb jaane laga amp bhi niche aa rahe hain automatically. Before there was 6.5 amp, now 5.7 amp ho gaye. So after 23 minute ke baad 25 pe temperature going to be 25 soon, 25.9. so let's see के एम कितने गिरते हैं एक नॉर्मल वोल्ट पे. टी सी एल का, दैट्स टी सी एल मॉडल नंबर, एवरीथिंग इज हियर. टैक 18T3D. गोल्ड फिन्स. Very nice throw here. ये हवा की throw बहुत अच्छी है. कमरा cool हो गया आधे घंटे में, इसने कमरा वाकई cool कर दिया. कोई jumbo turbo mode, economo mode नहीं use किया. There is no, I use only the normal mode. और now it has 25, yeah. 24 minute. थोड़ा सा एम पे गो डाउन, थोड़ा ज़्यादा गो नीचे गए. टाइम 27 मिनट हो गए एंड द टेम्परेचर वॉज 31 टेम्परेचर, नाउ 25 आफ्टर 27 मिनट. देर इज़ नो इको मोड, नथिंग. आई डिडंट चेंज एनी मोड, मैंने कोई चेंज मोड नहीं किया. स्टैंडर्ड कूल पे है. बस सम टाइम पीपल शो द इकोनॉमी मोड एंड सडनली द एम गो डाउन, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स अ फंक्शन. बट आई जस्ट लीव इट एंड आई वॉन्ट टू सी आफ्टर द अचीव द कि जब टेम्परेचर 25 पे एग्जैक्ट आ जाएगा वॉट इज़ द रिज़ल्ट, उसके बाद क्या रिज़ल्ट होगा और एम कहाँ पर आएंगे. अभी एम थोड़े से ऊपर चले गए हैं और मैं यही देखना चाह रहा हूँ 5 पॉइंट से, और टेम्परेचर आपके सामने है, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू. टाइम 28 मिनट हो गए, 28 मिनट नाउ. आई एम गोइंग टू पॉज द वीडियो अंटिल इज 25 टेम्परेचर एंड देन आई विल चेक द एम्प्स हियर. 25 सेंटीग्रेड के बाद मैं चेक करूँगा कि कितने एम्प रह गए. ओके, मीनवाइल द रूम साइज इज 16x12, 16x12 या 14 का कमरा है हमारा. द रूम इज लाइक दैट एंड हियर यू कैन गेट सम आइडिया. ओके, नाउ द टेम्परेचर एप इज द सेम स्टिल. टेम्परेचर ऑलमोस्ट गोइंग टू बी 25. हियर इज 25 एंड एसी पे भी 25 है और थर्मोस्टेट आप देख लें कितनी दूर पड़ा हुआ है. हियर इज थर्मोस्टेट, यू कैन सी हाउ फार. नाउ 25 सेंटीग्रेड एज द एयरकॉन आई आफ्टर 30 मिनट, तकरीबन 30 मिनट, 29 मिनट. आई स्टार्टेड 4 o'clock ऑन 30 बट द एम्प इज स्टिल इन द सेम वे. ओके, now there is no trip, compressor still running and it going to be 24 actually. is going to be sleep mode. ye stand by pe jaane laga tha to maine button daba ke wapas le aaya after for saving meter. so
ओके माइट बी माई टेम्परेचर इज़ नॉट वेरी एक्यूरेट, हो सकता है मेरा ये थर्मोस्टेट बहुत एक्यूरेट ना हो उसके मुताबिक, सो मे बी आई विल गिव चांस, थोड़ा अप एंड डाउन होने का चांस दे रहा हूँ मैं कि कैसे। ये तो नॉन स्टॉप जा रहा है, 25 पे था, 25 से 24.8 हो गया, लेट्स सी, आई वॉन्ट टू सी वट एग्जैक्टली टी सी आर गोइंग टू डू। सो ओके एंड द टाइम इज 30 मिनट, एग्जैक्टली 31 मिनट ऑफ रनिंग, स्टार्ट टेम्परेचर वॉज 31 सेंटीग्रेड, नाउ 24 आफ्टर 30 मिनट, एंड द एम्प इज हियर। ओके नाउ इस 32 मिनट एंड 24 सेंटीग्रेड एंड नाउ इज गोइंग टू 5.6 एम गोइंग डाउन, आई थिंक ये नीचे जा रहा है ये आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन देयर इज नो keep cooling, keep cooling, there's no tripping or anything. Okay, I will try more. कि कितना टेम्परेचर नीचे जाता है, 25 पे रखा हुआ है, कोई ट्रिप नहीं हुआ, चल रहा है बस। अभी इकॉनमी मोड पे मैं लेके आ सकता हूँ, आई कैन डू इकॉनमी मोड, ओके आई विल ट्राई नाउ बिकॉज आई फील टेम्परेचर, द कंप्रेसर इज रनिंग slightly down before 6.5, now 5.6, and after 33 minutes 24.4 temperature. I will wait more 10 minutes and see. Okay, so now 37 minutes, 37 minutes ho gaye, aur temperature 24.3 hai and 25 centigrade, but the amp is almost 6.28 because two times or three few times I open the door and you see here meri window jo yahan pe hai dhoop aati hai, ye dekhiye aap bahar se, here is a very sunny, it's not full closed room, and this side also we have window, so this is not the wall, I think ये बड़ा असर करता है क्योंकि इधर भी विंडो है धूप आती है, यहाँ पे भी विंडो है धूप आती है, तो अब ये है कि सो आई थिंक माई रूम इज़ नॉट वेरी दैट आइडियल, बट स्टिल इट मेक इट, ये विंडो विद द फुल सन ऑन द ग्लास, पीछे शीशे पे पूरी धूप पड़ती है, अब पड़ भी रही है, लेकिन फिर भी इसकी कूलिंग माशाल्लाह बहुत, आई थिंक इज़ अ वेरी गुड कूलिंग, वेरी क्विक, बट द पॉइंट इज़ इट्स नॉट गोइंग डाउन, सो मैं अब कोई इकॉनमी मोड वगैरह ट्राई करने लगा हूँ और देखूँगा, लेट्स सी व्हाट इज़ द डिफरेंस। ओके ऑप्शंस, स्लीप के जी में ऑप्शंस पर, मोड ड्राई, फैन, हीट, ऑटो एंड कूल, सो हियर इज द मोड एंड जनरल L3 I'm sure temperature amp will go down on L3 mode because it's generator mode, yeah, ab L3 pe hai, now I'm going to change on L2 L2 mean 5 amp, and I think here is also should be amp go down to 5, temperature 24.2 hai,
So it show that 5 amp will be on L2. So 5.44 still. And I'm going to do L1 mode, the most lowest. L1, 3 amp, it will take 3 amp, 3 amp lega ye. Meter pe chal, let's see on the meter. Yeah, it goes to from 5 to 3 amp exactly. And the temperature is 24, it will maintain the temperature, maintain rakhega aur 3 amp exactly aage. Aur time ho gaya hai, almost 41 minute. So here's the review. If you want to ask anything, koi cheez puchni hai to aap comment kar sakte hain, you can ask in the comment. And here is, but actually after 25 room temperature karne ke baad ye automatically niche nahi jata, so I think we have to keep when we get the desired temperature. Jab hamara temperature thanda ho jaye kamra to hum use L1 pe rakh le. तो उससे सबसे ज़्यादा वी कैन सेव इलेक्ट्रिसिटी ऑन L1 एंड कंटिन्यू ऑन 3 एम्प फॉर होल नाइट, सारी रात के लिए आराम से L1 पे करके सो सकते हैं. और उसके बाद इट विल बी कम ऑन, इट विल कम 1.6-1.7 एम्प. आई हर्ड अबाउट दैट एंड आई सीन द अनदर पर्सन वीडियो ऑन यूट्यूब के रात को अगर आप सोएंगे 5-6 घंटे बाद ये 1.67 एम्प पे आ जाता है. So hope you like the video. Don't forget to like and subscribe. See you in the next video. Thank you. Bye bye. Unboxing of TCL. Aircon split AC 18 T3B T3 compressor unboxing. So now ab main eco mode turbo mode I'm going to play in press turbo mode, and this is turbo mode, and I want to check the amp because I keep on 3 amp. And I think it will be 3 amp. Same, there's no much difference. So ab turbo mode on hai. I'm going to close turbo mode off and I want to see what is the amp difference. Yeah, थोड़ा सा फ़र्क आया है. एम फिर 3.2 से 3.1 से 3 पे आ गए, बल्कि 2.9 पे आ गए. सो बिकॉज फ़ैन की अपनी थोड़ी सी पावर होती है, अगर आप हल्के फ़ैन पे चलाते हैं तो थोड़ी सी और पावर कंजप्शन कम हो जाती है बिकॉज ऑफ फ़ैन. हायर फ़ैन हैव टेक अप मोर इलेक्ट्रिसिटी एंड आई एम गोइंग टू पुट द फैन ऑन लोएस्ट फैन मोड एंड वॉन्ट टू सी. Just एक पे. Now आप देख सकते हैं, you can see dramatically because of fan voice, and now you see 2.4 because of only the fan. So this is a very big difference. Many people might be, they don't know कि 2 ampere पे आ गया है, सिर्फ हर चीज same है. और अगर मैं if I will put the fan higher and ये फुल फैन है, तो नाउ यू कैन सी फ्रॉम लेस देन फ्रॉम 2 एम्प टू इट विल गो अप. सो यू कैन सी द डिफरेंस ओनली बिकॉज ऑफ द फैन. यू कैन ऑलमोस्ट 1 एम्प